केएबी आणि एनआरसी बिलाच्या विरोधात आज सोलापुरात जमियते उलेमा ए हिंद या संघटनेच्या माध्यमातून लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व बिलाचा विरोध करण्यात आला। यावेळी हजारो मुस्लिम बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत नागरिकत्व बिलाचा विरोध केला। संपूर्ण देशात मुस्लिम समाजाकडून सीबीए आणि एनआरसीच्या विरोधात आज संपूर्ण देशातले कित्येक राज्यात आणि राज्यातील जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या नागरिकत्व बिलाचा विरोध करण्यात आलेला आहे। मैं मौलाना हरीश शेख जमियत उलमा जिला सोलापुर का उपाध्यक्ष हूँ। आज 13 दिसंबर 2019 को पूरे भारत के हर राज्य में, राज्य के हर जिले में, जिले के हर तहसील और तालुके में जमियत उलमा हिंद की जानिब से एक धरना आंदोलन आयोजित किया गया था और उसकी मुख्य मांग ये थी कि ये अभी फ़िलहाल सिटीज़न अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में और अभी राष्ट्रपति की उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं, इस बिल को जमियत उलमा असंवैधानिक और अमानवीय बिल तस्लीम करती है, मानती है और राष्ट्रपति से ये अनुरोध करती है कि आप किसी एक पार्टी के राष्ट्रपति नहीं है बल्कि पूरी इंडिया की हर नागरिक के आप जो है राष्ट्रपति है और आप ऐसा फैसला लीजिए इस बिल के सिलसिले में कि जो हर नागरिक के लिए जो है काबिल कबूल हो और उनके हित में हो। ये बिल मज़हब के आधार पर इस मुल्क के नागरिकों को डिवाइड करने का और तोड़ने का और अलग करने का बिल तस्लीम किया जा रहा है और 19 एक्ट संवैधानिक आर्टिकल 14-15 ये दो आर्टिकल के ख़िलाफ़ है ये बिल, जो संविधान के ख़िलाफ़ है ये बिल। तो संविधान की सर्वश्रेष्ठता को बाकी रखने के लिए, देश की अखंडता और इसकी एकता को बाकी रखने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी से, उच्चतम न्यायालय से और तमाम गोया के सेकुलर लोगों से हमारी गोया के गुजारिश और अनुरोध है कि इस बिल को जो है इमीजिएटली वापस लेने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। यही मांग को लेकर के आज जमियत उलमा ने धरना प्रदर्शन किया है और आगे भी ये बिल जब तक वापस नहीं लिया जाता है उस वक्त तक जमियत उलमा का संघर्ष जारी रहेगा और आगे इसकी रणनीति क्या रहेगी हम ऊपर की कार्यकारिणी के आदेश के इंतज़ार में हैं। वो जो बताएंगे वो हम आगे उसके आदेश के पालन में हम काम करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि देश के पूरे राज्यों में, हर राज्य में, हर तहसील में आज मुसलमान धरना कर रहा है, उस हिसाब से पूरे देश में कितने लोग धरने के लिए आज रास्ते पर उतरे होंगे? हमारी पिछले 2004 में जो जमियत उलमा की जो ऑन पेपर मेंबरशिप जो काउंट की गई थी वो 1.5 करोड़ थी, तो ये 1.5 करोड़ तो जमियत उलमा के एक्टिव मेंबर्स है इतने, और इसके अलावा जितने लोग आए होंगे वो आप उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। प्रतिनिधि सिकंदर नदाब, महाराष्ट्र टाइम्स 1, सोलापुर।